अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुक विद शर्मिन नासिर में आप सबको खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश फिट फाट अपने घरों में। तो आज हम मिलके बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का डीप डिश पिज्ज़ा। और ये जो हम आज बनाएंगे, ये हम दो पिज्ज़ा बनाएंगे। तो अगर आपने एक पिज्ज़ा बनाना है तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी को आधी कर लीजिएगा, अगर दो बनाना है तो दो रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें। तो चले फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमें ये पानी कुनकुना गर्म होना चाहिए, 100 डिग्री टेम्परेचर इसका हो, और ये हमने लिया है 360 ml। और ईस्ट हम इसमें डाल देंगे 4.5 चाय का चम्मच, और इसमें हम चीनी डालेंगे 1 खाने का चम्मच। हमें अपने ईस्ट को थोड़ा सा एक्टिव करना है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं और डाल के इसे हम मिला लेते हैं। ईस्ट को जब चीनी पानी ये इनका खाना है ये जब मिलता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। फिर हम इसे क्लिंग रैप से यानी प्लास्टिक रैप से इसको बंद करके किसी गर्म जगह में रख देते हैं ताकि ये राइज हो जाए हमारा ईस्ट अच्छी तरह। तकरीबन 7 मिनट के लिए हम गर्म जगह में इसे रख देते हैं। हम मैदा, ये मैंने ले लिया 4 प्याली, इसके अंदर हम डालते हैं 1 खाने का चम्मच चीनी यानी शक्कर, नमक 1/2 खाने का चम्मच, और ये है लहसुन का पाउडर, ये मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। ये आपकी मर्जी, चाहे तो डालें ना डालें। इससे ये होता है कि पिज़्ज़ा की जो रोटी बनेगी उसमें एक अच्छा सा लहसुन का फ्लेवर आएगा जब ये बन जाएगा। फिर हम इसे विस्क की मदद से मिला लेते हैं। देखें, अब हमने इसे मिला लिया। अब ये 7 मिनट के बाद जब हमने देखा कि हमारा जो है ईस्ट एक्टिव हो गया है, देखें कितना ज़बरदस्त ये फूल गया है, इसके अंदर जान आ गई पानी और चीनी पी के, ये है हमारा, इसे कहते हैं डो हुक, जो हमें आटे को, मैदे को गूंदने में मदद करेगी। मेरे पास ये स्टैंड मिक्सर है तो मैं इसके मदद से कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी इसे गूंद सकते हैं। इस बोल को मैंने स्टैंड मिक्सर के ऊपर फिक्स कर लिया, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे स्टैंड मिक्सर के मदद से। अगर स्टैंड मिक्सर नहीं है तो आप किसी भी चम्मच से, स्पैचुला के मदद से इसे मिक्स कर लें। और अभी जो हमने मैदा बना के रखा था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाते हैं, ठीक है। और इसे हम मीडियम स्पीड में रखेंगे, बहुत ज़्यादा हम तेज़ नहीं करेंगे वरना ये मैदा तो हमारे ऊपर उड़ना ही शुरू हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा थोड़ा करके, जब मैंने सारा मैदा इसके अंदर डाल दिया तो ये देखें ये इसके हुक के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। जब ये जमा होना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि अब ये हमारे ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके बाद जब हमारे डो गूंद गया, फिर हमने एक साफ़ सरफेस के ऊपर, साफ़ जगह के ऊपर थोड़ा मैदा छिड़क दिया। तकरीबन 1 कप मैंने लिया है, आप जितना आपको सही लगे आप ले लें। और इसके ऊपर
ये जो मैदा हमने अभी मिक्स किया था स्टैंड मिक्सर में, इसे निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद इसे हम गूंद लेंगे उस वक्त तक जब ये अच्छा सा एक स्मूथ सा ज़बरदस्त सा डो बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने चूंकि इसको स्टैंड मिक्सर में थोड़ी देर गूंद लिया था तो तकरीबन मैं इसे 5 मिनट करूँगी, और अगर आप टोटल इसे हाथ से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसे गूंदें। जितना अच्छा मैदा गूंदेगा उतना ही हमारा पिज़्ज़ा ज़बरदस्त सा बनेगा, ये देखिए। ठीक है, और इसे हम टेस्ट कैसे करेंगे, जब मैं इसके अंदर उंगली डाल रही हूँ तो हमारे मैदा हमारी उंगली को जहाँ से दब रहा है उसको बाउंस बैक कर रहा है। उसी मिक्सिंग बाउल के अंदर मैंने ये ऑलिव ऑयल डाला और इसको ब्रश की मदद से पूरे में फैला दिया। ठीक है, इसको हमने ग्रीस कर लिया और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अच्छी तरह से, बल्कि ये जो डो अभी हमने गूंदा था इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको खूब अच्छी तरह से इसको ऑलिव ऑयल में चमका देते हैं, है ना। ये देखें कितना अच्छा ये बन गया। अब इस मैदे को हम इसी बोल के अंदर वापस रख देते हैं और इसको क्लिंग रैप से यानी प्लास्टिक रैप से इसको दोबारा बंद करके गरम जगह में रख देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक ये डो का साइज डबल हो जाए, जब तक हम मिलके अभी तंदूरी चिकन बनाते हैं। इसकी टॉपिंग के लिए, इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच पैन में डाल दिया। अब इसमें 1/4 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1/4 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला और इसे हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, इतना के बस अदरक और लहसुन अपनी खुशबू छोड़ने लगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब ये खुशबू आने लगे तो ये मैंने 1.25 पाउंड मैंने बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लिया और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके छोटे छोटे क्यूब में काट लिया था, तो उसे हम डाल के अच्छी तरह से इसे दोबारा भूनेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब इसका कलर चेंज हो गया, पानी भी छूटने लगा, तो इसे मैंने अब डाला है इसमें 1/4 चम्मच नमक। आप अपने हसबे जायका डाल दें, और ये है चाइनीज़ सॉल्ट भी 1/4 चाय का चम्मच डाल दिया। ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें। और ये पेपरिका पाउडर है यानी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच और ये तंदूरी मसाला 1/4 चाय का चम्मच। तंदूरी मसाला बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, उसको उसमें से आप थोड़ा सा इसमें डाल दें। डालने के बाद चले अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आ गया और इसके अंदर चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च वो भी हम 1 खाने का चम्मच में डाल देती हूँ इसमें। ये भी आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। हमारे घर में ज़रा तीखा पसंद करते हैं इसलिए मैंने डाल दिया। और इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो आँच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें पक गया ये हमारा चिकन ज़बरदस्त, पानी भी खुश्क हो गया और गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसकी टॉपिंग की तैयारी करते हैं। शिमला मिर्ची मैंने ली है, एक हरी वाली, एक लाल शिमला मिर्च, लाल प्याज लिया है और ये हैलेपिनो लिया है मैंने 2। अब हम शिमला मिर्च को क्यूब की शक्ल में काट लेते हैं और इसके अंदर के जो बीज है वो भी हम साथ साथ निकालते जाएंगे। टॉपिंग आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन मैं जो आपको ये कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, शिमला मिर्च, प्याज, हैलोपिनो, इस बड़ा ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और मेरे घर में बच्चों को यही टॉपिंग पसंद है इसीलिए मैं ये डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, तो आप चिकन टिक्का के साथ
ऊपर से जो भी कोई टॉपिंग डालना चाहें, आप ऑलिव डालना चाहें, आप मशरूम डालना चाहें, ये आपके अपनी मर्जी है, आपके घर में जैसा सब पसंद करते हैं वैसा डाल दें। अब मैं देखें इसमें ये हमने लाल वाली शिमला मिर्च जो है बेल पेपर उसे भी हम काट लेते हैं, उसके बीज को हमने हटा दिया और काट लिया। अब ये प्याज मैंने यहाँ रेड वाले जो अनियन से लाल वाले ये लिए हैं क्योंकि इसका जो है थोड़ी इसका फ्लेवर ज़रा स्ट्रांग होता है, बहुत खुशबूदार बहुत टेस्टी होता है। अगर आपके पास घर में लाल प्याज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो सादे जो येलो अनियंस होते हैं वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है वाली प्याज ले लें और इसको भी इसी तरह से बड़े बड़े क्यूब की शक्ल में काट लेते हैं। देखिए हमने काट लिया है ना, चलिए अब हमारे ये लाल प्याज भी कट गए। अब हम ये जो हैलोपिनोज है इसको हम रिंग की शक्ल में काट लेते हैं, इसको भी काट लिया। अब ओवन को हम बेक करने के लिए प्री हीट करेंगे 450 फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ओवन को मैंने ऑन कर दिया, जब तक ओवन गर्म होगा हम लोग अपने पिज़्ज़ा को असेंबल करेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये जो डो है हमारा, इसका जो मैदा हमने गूंथ के रखा था कितना अच्छा फूल गया है, राइज हो गया है। इसे हम निकाल के थोड़ा सा इसे हम हाथ से थोड़ा सा इसे गूंथ लेंगे, गूंथ के अच्छा सा देखें ऐसे कितना ज़बरदस्त ये सॉफ्ट फ्लफी सा बन गया है। इसका हम इस तरह से बॉल की तरह बना लेते हैं। और मैंने आपको अभी शुरू में ज़िक्र किया था कि आज जो हम बना रहे हैं हम दो पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो आपके अगर पिज़्ज़ा ट्रे दोनों इक्वल साइज़ के हैं तो इसे आप बीच से इक्वली काट लें। मेरे जो पैन हैं एक बड़ा पैन है और एक थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं एक बड़ा काट रही हूँ और एक थोड़ा सा छोटा। अगर आप एक पिज़्ज़ा बना चाहते हैं तो आप ये जितनी भी क्वांटिटी मैंने भी मेंशन किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप पढ़ सकते हैं तो उसे आप आधा कर लीजिएगा। अब हम इसे ये रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेंगे, बेलन से रोटी की तरह बेल लेंगे इवनली। और इस तरह जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी तरह हाथ से ज़रा सा इसको इस तरह से कर लें, घुमा दें। और ये जो हमारा पैन मैंने यहाँ निकाल के रखा है इसके ऊपर हम सूजी इसको स्प्रिंकल कर देंगे, सूजी छिड़क देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग बेक करते हैं तो वो ऑयल वगैरह ब्रश करते हैं या बटर या घी, लेकिन हम सूजी डालेंगे। मेरा कास्ट आयरन का पैन है, ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि कैसा बनता है। इसके ऊपर फिर मैंने ये जो भी इसका डो की जो रोटी बेली थी उसको मैंने डाल दिया। ये दूसरा वाला ही हमने बड़ा वाला पैन ले लिया और अब इसको भी हम बेल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफी सा हमारा डो राइज हुआ है, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट। बस आप जब भी इसको बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके सारे मेजरमेंट्स सही हो, आपके इसको डो को आप गर्म जगह में रखें ताकि अच्छी तरह से राइज हो जाए, डबल उसका साइज हो जाए। देखें अब इसके ऊपर भी इसी तरह से इवनली इसे हमने बिछा दिया दूसरे पैन के अंदर। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ब्रश की मदद से लगा लेते हैं। ये हमने लगा लिया, देखा कि कैसे चमक गया। अब इसके ऊपर हम एक कांटा की मदद से इसे पोक कर देंगे। इससे क्या होता है कि जब ये बेक होता है तो जो बबल्स बनते हैं वो नहीं बनते,
और बहुत ही अच्छा इसके सरफेस पे रिजल्ट आता है। और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में तो कैचअप होता ही है, आप कैचअप लगा दें, उससे भी अच्छा मज़े का बनता है। इस तरह से इसको लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये जो हमारे चिकन टिक्का जो हमने बना के रखा था, इसके ऊपर इसको छिड़क दें अच्छी तरह से, इवेनली सारी जगह से अच्छी तरह। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो लाल वाली शिमला मिर्च यानी बेल पेपर और कैप्सिकम जो हमने काट के रखा था, उसके ऊपर हम डाल देते हैं लाल वाली प्याज। खूब अच्छी तरह से डालें इसको, चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दें। उसके ऊपर फिर हम डाल रहे हैं ये हरी वाली शिमला मिर्ची यानी ग्रीन वाला जो बेल पेपर हमने लिया था उसे डाल दिया। इसके बाद यहाँ मैंने जो है चेडर चीज़ लिया है, श्रेड कर लिया है इसको, खुरच लिया है और कद्दूकश कर लिया है, और ये 3 कप है। तो 3 कप मैंने लिया है 2 पिज़्ज़ा के लिए। अगर आप एक बना रहे हैं, एक पैन बना रहे हैं, तो आप इसका आधा ले लें, 1.5 कप ले लें, ठीक है। तो इसको खूब अच्छी तरह से डाला, और ये मोज़रेला चीज़ है, इसे भी 3 कप लिया है 2 पिज़्ज़ा के लिए, तो इसमें भी हमने खूब अच्छी तरह से डाल दिया मोज़रेला चीज़। इसके ऊपर हम अब इसको हैलोपिनोस को सजा देते हैं। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद ये चिली फ्लेक्स है, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी, डालें ना डालें उसे छिड़क दें, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है ओरिगैनो, ओरिगैनो को हमने छिड़क दिया, ठीक। अब ये हमारा एक पिज़्ज़ा तैयार हो गया ओवन में जाने के लिए। अब हम ये सेकेंड वाले पिज़्ज़े को भी इसी तरह यही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे और इसे भी हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूं कि मैंने इसमें अब जो मैं इसकी टॉपिंग्स डालूंगी, तो मैंने इसको हाफ पोर्शन जो है इसको मैं सादा रखूंगी, इसलिए कि मेरे यहाँ तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना उसे सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा पसंद है, तो इसी वजह से मैं ये हाफ पोर्शन उसको खाली छोड़ रही हूँ, सिर्फ उसके ऊपर मैंने केचप लगा लिया और फिर चीज़ डाल दूँगी, ये देखें। और हाफ में मैंने वही सारी चीज़ें रिपीट की हैं जो हमने अभी पहले वाले पिज़्ज़ा में डाला था, ठीक है। अब ये चीज़ खूब अच्छी तरह से ये मैंने पूरे में डाल दिया। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से कोई नहीं पसंद करता हो तो आप ये कर सकते हैं, या फिर 2 पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो एक चीज़ पिज़्ज़ा बना लें, एक आप चिकन टिक्का बना लें, ठीक है। और उसी तरह मैंने हाफ पोर्शन में हैलोपिनोज डाल दिया, लेकिन ये जो चिली फ्लेक्स थे ये मैंने पूरे में डाल दिया, ओरिगैनो भी मैंने पूरे में डाल दिया, ठीक है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर आता है। अब हम अपने पिज़्ज़ा को ओवन में रखते हैं, जो कि गर्म हो चुका है हमारा ओवन। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये इसका कलर, इसकी सेटिंग देखें माशाल्लाह, डो कितना अच्छा। और इसको हम 15 मिनट तक बेक होने के लिए रखेंगे, और आपके ओवन पे डिपेंड करता है कि आपका ओवन कैसा है, कितना टाइम लेता है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कि आपकी रोटी नीचे से पक गई है किसी फोक यानी कांटे चम्मच को डाल के, और ये देखें, या फिर टूथपिक डाल के आप चेक कर लीजिएगा। ये 15 मिनट्स के बाद हमने इसे ओवन से निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है, और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत इसका कलर, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सारे फ्लेवर्स इतने ज़बरदस्त, ओरिगैनो की खुशबू, हैलोपिनो की खुशबू, बहुत ही मज़े का, और वो चीज़ पिज़्ज़ा भी आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा सा गोल्डन हो चुका है, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ये देखें
सारे कलर्स इसमें नज़र आ रहे हैं, आपके चिली फ्लेक्स के कलर, आपके हैलोपिनो के, चीज़ के, और इसकी खुशबू, इसकी फ्लेवर मुझे इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको हम थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको ज़रा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे अभी काटेंगे और काट के इसे ट्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त, और कितना अच्छा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त अपनी चीज़ी सा चीज़, कितनी अच्छी हमारी स्ट्रिंग बन रही है। और ये अब मैं इसको खा के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले फिर अब हम इसे ट्राई करते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट। इसकी डो देखिए कितनी ज़बरदस्त, इसकी जो रोटी है पिज़्ज़ा की, और बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा। उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। तो जाइए अपने किचन में, ट्राई कीजिए, बनाइए, मज़े लीजिए, मज़ेदार पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, डीप डिश पिज़्ज़ा बना के खाइए। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।